दोस्तों आईपीएल खत्म होने के तुरंत बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाने वाली है, जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैच, 3 ODI मैच और 4 टेस्ट मैच खेले जाने वाले हैं। तो दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहले 27 नवंबर को पहला ODI मैच खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं टीम इंडिया का ODI स्कोर ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से पहले नंबर पे होंगे विराट कोहली जो कैप्टन होंगे, दूसरे नंबर पे है शिखर धवन, तीसरे नंबर पर शुभमन गिल, चौथे नंबर पर KL राहुल जो विकेट कीपर होंगे, पांचवें नंबर पर श्रेयस अय्यर, छठे नंबर पर मनीष पांडे, सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, आठवें नंबर पर मयंक अग्रवाल, नौवें नंबर पर रविंद्र जाडेजा, दसवें नंबर पर युजवेंद्र चहल, ग्यारहवें नंबर पर कुलदीप यादव, बारहवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, तेरहवें नंबर पर मोहम्मद शमी, चौदहवें नंबर पर नवदीप सैनी, पंद्रहवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर। तो दोस्तों ये था इंडिया का ODI स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने। सबसे बड़ी बात दोस्तों रोहित शर्मा का नाम हमें इस लिस्ट में नहीं दिखा है क्योंकि वो इंजरी के चलते IPL के कुछ मैचों से भी बाहर हो गए हैं। तो रोहित शर्मा की इंजरी से जुड़ी छोटी सी छोटी खबर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।